लगता है तुम मेरी सहायता नहीं करना चाहते हो। कोई बात नहीं, मैं स्वयं ही उसे ढूंढने का प्रयत्न करूंगा। प्रसन्न रहो। असुर सेना भी दूर है, जब तक वो यहाँ पहुंचेंगे उससे पहले यदि मैं इन बाबा की सहायता कर दूं तो माँ को दिया वचन भी पूरा कर पाऊंगा और अदिति माँ के तप की रक्षा भी कर पाऊंगा। ठहरिए बाबा। आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, यदि हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे तो वो बाला सिंह शीघ्र ही मिल जाएगा। मैं तो सोच रहा था इसके यहाँ से जाते ही रेखा पार कर जाऊंगा, पर इसने तो फंसा दिया। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पीठ पर। क्यों, कोई समस्या है बाबा? नहीं नहीं, समस्या कैसी, चलो पुत्र। उत्तम राहु, उत्तम। जो कार्य माली समाली की बुद्धि नहीं कर पाई, सिंह मुखम और गदासुर का बल नहीं कर पाया, अग्नि मुखम का अग्नि तत्व नहीं कर पाया, तुम्हारे छल ने उस कार्य को सहज कर दिया। वो रहा बारह सिंघा, उधर भागा जा रहा है गहन वृक्षों के बीच में। तीव्र गति से उड़ो पुत्र। असुरो, यही अवसर है, जाओ अपना लक्ष्य प्राप्त करो, शीघ्र आगे बढ़ाओ। वो रहा। अरे कहाँ गया? उधर देखो पुत्र, वो रहा। अभी पकड़ता हूं इसे, फिर लुप्त हो गया। गति बढ़ाओ असुरो, विजय हमारी ही होगी। शीघ्र ही लौटना होगा मुझे, असुर कहीं अदिति माँ तक ना पहुंच जाए। ये मूर्ख पक्षी मेरे जाल में फंस गया, अब इसे तब तक भटकाऊंगा जब तक असुर सेनापति वज्रांग देव माता तक पहुंच नहीं जाते। वो रहा बारह सिंघा, दूर भागा जा रहा है। गति बढ़ाओ पुत्र, तीव्र और तीव्र। कुछ विचित्र लग रहा है, मुझे इतनी उत्तम दृष्टि के बाद भी बारह सिंघा दिखाई नहीं देता और इन बाबा को हर बार दिख जाता है। माँ यहाँ होती तो कोई ना कोई उपाय अवश्य सुझाती, पर जो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा उसे कैसे ढूंढूं मैं? जानता है सूर्य की पूजा प्रतिदिन क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्रत्यक्ष देवता है, इनके बिना संसार का परिचालन असंभव है। हम सबके प्रत्येक कर्म का यदि कोई साक्षी है तो वो है केवल सूर्यदेव। इनकी दृष्टि से छिप पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। मुझे मार्ग मिल गया मां, रुक क्यों गए पुत्र? हमें बारह सिंघा को ढूंढना है। चिंता मत कीजिए बाबा, मैं आपकी सहायता ही कर रहा हूं। हे सूर्यदेव, मैं विंता पुत्र गरुड़ आपकी आराधना करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देवाय नमः। सूर्य का आह्वान क्यों कर रहा है ये? देवाय नमः। ओम।
सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। अरुण भैया, अपने छोटे भाई का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे तुम पर गर्व है गरुड़। मां को दास्ता के श्राप से मुक्त करवाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हो तुम। तुम्हारे मार्ग में तरह तरह की बाधाएं आएंगी, किंतु अंत में तुम सफल होगे। ये मेरा दृढ़ विश्वास है तुम पर। भैया, आप मेरी प्रेरणा है। शेषनाग भैया से मैंने आपकी कथा सुनी। अर्धविकसित स्वरूप को भी आपने अपनी दुर्बलता नहीं बनने दिया, बल्कि उसे स्वीकार किया। जिस प्रकार आपने अपनी नियति को अपनी शक्ति बना दी, ये अद्भुत है भैया। सूर्य से सीधा संपर्क है इसका, कहीं ऐसा ना हो कि। हे सूर्यदेव, आपके आशीर्वाद की कामना से मैंने आपका आह्वान किया। कृपा आप बारहसिंगा को ढूंढने के लिए मेरी सहायता कीजिए, ताकि मैं ब्राह्मण बाबा को उनकी अरनी देकर अदिति माँ के तप स्थल की रक्षा करने के लिए वापस लौट जाऊं। तुम सद्गुणी हो गरुड़, प्रत्येक प्राणी में अच्छाई ढूंढना चाहते हो, इसीलिए दुष्ट तुम्हें छल पाते हैं। मैं समझा नहीं। जिसका तुम पीछा कर रहे थे वो बारहसिंघा वास्तविक रूप में है ही नहीं, और ना ही ये व्यक्ति ब्राह्मण है जिसे तुम अपनी पीठ पर बिठाकर यहां तक लेकर आए हो। राहु नाम का असुर है ये, मनोवांछित रूप धारण कर सकता है, स्वयं को दो भागों में बांट सकता है, एक ही समय पर दो स्थानों पर प्रकट हो सकता है। जिस ब्राह्मण और बारहसिंघा के भ्रम जाल में फंसकर तुम यहां तक चले आए हो, यह सब इसी की माया है। हां हां, असुर हूं मैं और छल विद्या है मेरी, किंतु मेरा भेद बताकर तूने बहुत बड़ा अपराध किया है सूर्य। अवसर मिला तो तुझे जीवित ही निकल जाऊंगा मैं। हा, तू मेरे सामने ब्राह्मण का रूप लेकर आया था, इसलिए तुझे मैं छोड़ रहा हूं, किंतु दंड अवश्य मिलेगा तुझे। जिस प्रकार तूने स्वयं को दो भागों में बांटकर मेरे साथ छल किया है, यदि फिर किसी के साथ ऐसा छल किया तो तू सदैव के लिए दो भागों में बट जाएगा, और फिर तेरे दोनों भाग कभी एक साथ नहीं हो पाएंगे। ये मेरा श्राप है।
हे सूर्यदेव, अरुण भैया, आप दोनों ने मेरी सहायता की। आपके ही कारण मैं अदिति माँ की तपोभूमि की रक्षा कर पाया और माँ को दिया वचन भी निभा पाया। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है इस पक्षी के पास जिसके कारण हमारा प्रत्येक प्रहार विफल हो रहा है? ना ये बल से पराजित होता है और ना ही छल से। क्रोध से भी नहीं होगा सेनापति, बुद्धि का उपयोग करना होगा। यदि इसके पास अदृश्य शक्ति है तो उसकी काट के लिए हमें भी अपनी अदृश्य शक्ति का प्रयोग करना होगा। ऐसी कौन सी शक्ति है हमारे पास? माँ पाताल भैरवी। स्मरण कीजिए सेनापति, घनघोर तपस्या के कारण आपको वरदान मिला था। जब भी आपको आवश्यकता होगी, देवी माँ आपकी सहायता के लिए अवश्य आएंगी। उत्तम सिंहिका, सही समय पर सही उपाय सुझाया है तुमने। परंतु माँ का क्रोध अत्यधिक प्रबल है। यदि हमने एक पक्षी का वध करने के लिए माँ का आह्वान किया और उन्हें उचित नहीं लगा तो? उचित अनुचित के लिए अब विलंब हो चुका है सेनापति। पहले ही हमारी माता दिति चिंतित हैं। यदि देव माता की तपस्या भंग करने का अपना वचन हम पूरा नहीं कर पाए तो कितनी निराश होंगी वो, कितना दुख पहुंचेगा उन्हें। सही कहा तुमने, असुर है हम। उचित अनुचित वाद विवाद व्यर्थ है। हमें किसी भी प्रकार अपने मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त करना है। यही हमारी रीति है और नीति। ओम पाताल भैरवे नमः। पाताल भैरवे नमः। ओम पाताल भैरवे नमः। ओम पाताल भैरवे नमः। ओम पाताल भैरवे नमः। यस्तं ज्योति भैरवी प्रकटी। यस्तं ज्योति भैरवी प्रकटी। अस्तं ज्योति भैरवी प्रकटी। प्रणाम स्वीकार करें माता। बिना विधि विधान के अचानक मेरा आह्वान क्यों किया है तूने? शीघ्र कारण बता, अन्यथा अपने विनाश के लिए तैयार हो जा। आप हम असुरों की इष्ट देवी है माता, और आपने जो वरदान मुझे दिया था आप उस वरदान से बंदी भी है। वो सब स्मरण है मुझे। बता क्या चाहिए तुझे? ये पक्षी मेरे मार्ग में बाधा बन रहा है माता। मेरे नेत्रों में कांटा बुनकर चुभ रहा है। और तू चाहता है कि मां इस दुष्ट पक्षी का सामना करे? पक्षी ने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी वो
पक्षी अकेला होकर भी परोपकार कर रहा है, और तुम असुर देवताओं से स्वर्ग छीनने के बाद भी अधर्म कर रहे हो। यदि हमने देव माता का तप भंग नहीं किया तो वो अपने पुत्रों के लिए अनेकों शक्तियां प्राप्त कर लेगी। प्रश्न यहाँ धर्म या अधर्म का नहीं, प्रश्न है आपके वचन का, आपके दिए वरदान का। मेरे वरदान का अनुचित लाभ उठा रहा है तू। पहले भी अनेक बार मेरे वचन की शक्ति से मुझे विवश कर चुका है। तुम असुर भक्ति का मार्ग केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए चुनते हो, किंतु शक्ति का प्रयोग परोपकार करने के लिए कभी नहीं करते। धैर्य और दया से दूर केवल स्वार्थ का पथ चुनते हो, इसलिए वरदान पाने के बाद भी विनाश ही होता है। मैंने अपना मनोरथ आपके सामने प्रकट कर दिया है माता, आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। जैसे एक बार मुख से निकला हुआ शब्द वापस नहीं जाता, उसी प्रकार दिया हुआ वचन तो पूर्ण करना ही होता है। यही विधि का विधान है। मैं तेरी इच्छा पूर्ण करूंगी वज्रांग, सामना करूंगी उस पक्षी का मैं। तुम्हारा सुझाया उपाय अवश्य कार्य करेगा सैनिका, जब स्वयं पाताल भैरवी उसका सामना करेगी। अब उस दुष्ट की मृत्यु निश्चित है। देवी माँ का रूप इतना रौद्र क्यों है? क्या वो बहुत क्रोध वाली है? देवी माँ की अनेक महाविद्याओं में से कुछ जैसे छिन्नमस्ता, काली और पाताल भैरवी का रूप अत्यंत भयंकर है। उनका क्रोध प्रचंड है, फिर भी वो बिल्कुल इस नारियल की तरह है। बाहर से कठोर पर भीतर से कोमल। स्वभाव से मृदु और ममता में अनंत। माँ के इस रूप से पापियों के हृदय में भय उत्पन्न होता है, और उनके सच्चे भक्तों को यह आश्वासन मिलता है कि जब तक माँ का आशीर्वाद उनके साथ है, कोई बुराई उनका हित नहीं कर पाएगी। किंतु माँ, देवी माँ ने भगवान शिव के ऊपर पांव क्यों रखा है? एक बार देवी माँ संसार की रक्षा के लिए दैत्यों का वध करने पर विवश हो गई थी। अनगिनत दुष्टों का सहार किया इन्होंने, पर तब तक इनका क्रोध विकराल रूप धारण कर चुका था। अपने आवेश पर इनका नियंत्रण नहीं रह गया था। ऐसा लगने लगा था जैसे इनकी अंतहीन शक्ति अब पूरे ब्रह्मांड का विनाश करके ही रहेगी। ऐसे में शिव शंकर जगत कल्याण के लिए देवी माँ के मार्ग में भूमि पर लेट गए, और शीघ्र ही महाकाली ने अनजाने में चरण अपने आराध्या के ऊपर रख दी है। और जब देवी माँ को यह अनुभव हुआ कि इन्होंने क्या कर दिया है, तो ये ग्लानि से भर उठी।
रक्त से सनी इनकी जीवा मुंह से बाहर निकल आई और इनका क्रोध पूरी तरह शांत हो गया। अद्भुत है देवी माँ, अद्भुत है इनका क्रोध, इनका प्रेम। प्रणाम देवी माँ। देख क्या रहा है, प्रहार कर मुझ पे। आपका प्रत्येक आदेश मुझे स्वीकार है माँ, किंतु मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। इसी क्षण उठ जाए यहाँ से, अन्यथा अपनी मृत्यु का उत्तरदायी तू स्वयं होगा। आपके हाथों से मृत्यु मिले, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है मेरे लिए। तो फिर यही सही। प्रणाम देवी माँ। देख क्या रहा है पक्षी, युद्ध कर मुझसे। आपका प्रत्येक आदेश मुझे स्वीकार है माँ, किंतु मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। तो अपनी पराजय स्वीकार कर और चला जाए यहाँ से। मुझे क्षमा कीजिए माँ, किंतु मैं वो भी नहीं कर सकता। ने अपनी माँ को वचन दिया है। याद है मुझे, इसीलिए कह रही हूँ अपनी हट छोड़ दे, तेरी माँ तेरी प्रतीक्षा कर रही है। अपनी माँ को बिना बताए इतनी दूर चला आया है, जानता है कितनी चिंतित होगी तेरे बिना। जानता हूँ माँ, किंतु आप भी तो मेरी चिंता का कारण जानती है। मैं अपनी माँ को दासी के रूप में और नहीं देख सकता। और मेरे सामने हट कर सकता है? यदि इसी समय तू यहाँ से नहीं गया तो तुझे मेरा दंड सहना होगा। मुझे स्वीकार है माँ। तू मारा जाएगा करुण। यदि यही मेरी नियति है तो फिर मैं चाहकर भी इसे बदल नहीं सकता। अनर्गल प्रलाप मत कर करुण, यदि तेरी मृत्यु हो गई तो तेरी माँ को दास्ता से कौन मुक्त कराएगा। आप सही कह रही हैं माँ, पर यहाँ से मैं चला गया तो ये असुर अदिति माँ की तपस्या भंग कर देंगे। जिसकी भक्ति में शक्ति होती है उसकी तपस्या भंग करना इतना आसान नहीं होता। ये मुझे अपने मार्ग से हटाने के लिए आपका आह्वान कर सकते हैं माँ, तो फिर अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए न जाने क्या क्या करेंगे। माँ, मुझे अदिति माँ की सुरक्षा के लिए यहाँ रहना ही होगा। तू अपनी सुरक्षा की चिंता कर, यदि तूने मेरा आदेश नहीं माना तो मुझे तेरा वध करना होगा करुण। कर देगा। क्या तू अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराने के पहले यमलोक जाना चाहता है? नहीं माँ। तो फिर चला जा यहाँ से। यह संभव है माँ। पहले प्रत्येक बात पर माँ कर रहा था, अब ना कर रहा है। पाताल भैरवी इससे इतनी बातें क्यों कर रही है? इसका वध करके अपना कार्य समाप्त क्यों नहीं कर रही? मैं तुझे अंतिम चेतावनी दे रही हूँ करुण, इसी क्षण उठ जाए यहाँ से, अन्यथा अपनी मृत्यु का उत्तरदायी तू स्वयं होगा। आपके हाथों से मृत्यु मिले, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है मेरे लिए। तो फिर यही सही। माँ ने बताया था, माँ भैरवी के मन में शिवजी के लिए अपार सम्मान है। यदि मैं उनकी आराधना करूं तो संभव है मैं माँ भैरवी के प्रकोप को शांत कर पाऊं।
मेरे प्राण आपके ही है मां। पर क्या? मेरा वध करने से पूर्व क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे? बता, क्या है तेरी अंतिम इच्छा? मैं अपनी मृत्यु से पहले पूजा करना चाहता हूँ मां, भगवान शिव की। बड़ा चतुर है तू, जा दी अनुमति, कर ले अपनी अंतिम इच्छा पूरी। मिट्टी की व्यवस्था तो हो गई, अब बस इसे शुद्ध करने के लिए कंकड़ पत्थर निकाल देता हूं। ये ले, पहले जल से मिट्टी गीली कर, तभी तो ठहरेगी। मूर्ख कहीं का। पूजन की सामग्री तो है ही नहीं, ना भस्म है, ना दूध, ना शहद, ना धतूरा, ना बेलपत्र, कैसे करेगा पूजन? देख क्या रहा है, पहले शहद को दूध में मिलाकर शिवलिंग को स्नान करा। ये पाताल भैरवी से इतनी बातें क्यों कर रही है? अब भस्म से त्रिपुंड बना। और अर्पित कर। इस विशेष पूजा के कारण मेरी मृत्यु कुछ समय के लिए टल अवश्य गई, पर पूजा संपन्न होने के बाद होगा वही जो अटल है। माँ मेरा वध कर देंगी। निश्चित ही मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य अर्जित किए होंगे, जो मृत्यु से पूर्व मैं भगवान शिव की पूजा जैसा शुभ काम कर पा रहा हूँ। और तो और, माँ पाताल भैरवी स्वयं मेरी पूजा विधि विधान से संपन्न करवा रही है। हे शिव शंकर, हे भोले भंडारी, मेरी भक्ति स्वीकार करें और स्वीकार करें मेरी प्रार्थना। मैं नहीं जानता कि मैं उचित कर रहा हूँ या अनुचित, बस इतना जानता हूँ प्रभु कि जो कर रहा हूँ अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ। यह जीवन मेरी माँ को समर्पित है, यदि उनके संस्कारों की रक्षा करते हुए मेरे प्राण भी चले जाएं, तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा।
पर वो समय आज नहीं आया है प्रभु। अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराने से पहले मैं मरना नहीं चाहता। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शत्रु का दमन करने भेजा था मैंने पाताल भैरवी को, वो तो स्वयं उसके साथ अलती पलती मारकर बैठ गई। ओम नमः शिवाय। इतना भी नहीं समझती कि जो अब तक माँ माँ की रट लगाए हुए था वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए शिव भक्त होने का ढोंग रच रहा है। वैसा प्रतीत होता है कि मुझे स्वयं जाना होगा। चलो रुकिए सेनापति, ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे उन्हें क्रोध आ जाए। सिंह का सही कह रही है सेनापति, पाताल भैरवी से वरदान मांगने का सुझाव माँ दिति ने ही दिया था। अब यह वरदान पूरा हो इसके लिए सुनिश्चित करना होगा कि क्या किया जाए, और ये भी वही बता सकती हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं को दो भागों में बांट लूंगा। मेरा एक भाग माँ दिति के पास मार्गदर्शन के लिए चला जाएगा और दूसरा भाग यहीं रहेगा ताकि मैं यहाँ भी सूचना प्राप्त करता रहूँ। उचित कहा राहुल, जाओ शीघ्र जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावधान, सर्वशक्तिमान महाज्ञानी जगत पिता महर्षि कश्यप की प्रिया, असुर वंश की जननी महारानी दिति पधार रही है। राहू यहाँ अकेला, वो भी इस अवस्था में। तुम सब जाओ यहाँ से। प्रणाम माताश्री। अदिति की तपस्या भंग करने का शुभ समाचार लेकर अब तक वज्रंग को आ जाना चाहिए था, वो आया क्यों नहीं? कहाँ रह गया वो? जवाब दो। क्या हुआ पुत्र, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? देव माता की तपस्या तो कब की भंग हो जाती माँ, पर क्या? एक पक्षी है जो हमारे प्रयासों पर पानी फेर रहा है माँ। पक्षी? नाम क्या है उसका? माँ विंता का दूसरा पुत्र करुण। महाबुद्धिमान, महाबलवान, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। पर वो असुर सेना और अदिति के मध्य क्यों आ रहा है? मुझे नहीं पता माँ, करुण को पराजित करना आसान नहीं है माँ। एक काम करो, अपने दूसरे भाग से संपर्क स्थापित करो और पता करो कि वहां पे क्या हो रहा है, मुझे बताओ, शीघ्र करो। जो आज्ञा माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पाताल भैरवी गरुड़ को शिव की पूजा करते देख भाव विभोर हो गई है,
वो अपना रौद्र रूप त्याग कर सौम्य भाव अपना चुकी है, जिसके कारण सेनापति वज्रांग अत्यधिक क्रोधित हो गए हैं। नरसिंहिका के सुझाव के विपरीत अपना रथ लेकर उन दोनों की ओर बढ़ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ये क्या कर रही है देवी? शत्रु के नेत्र बंद हैं। अपनी तलवार को पकड़ करके उस पर प्रहार कीजिए। उसकी अंतिम इच्छा पूर्ण होने से पहले मैं उसे नहीं मार सकती वज्रांग। अंतिम इच्छा नहीं, ये मृत्यु को टालने का बहाना है। बहाना है तो बहाना सही। जैसे तुझे वचन दिया है उसी प्रकार इसे भी वचन दिया है मैंने। वचन आपने उसे दिया है, मैंने नहीं। असुरों की इष्ट देवी हूँ, इसीलिए तुझे प्राण दान देती हूँ। अन्यथा मेरे शिव शंकर की पूजा भंग करने वाला एक क्षण भी मेरे सामने जीवित नहीं रहता। बस बस, और नहीं सुन सकती मैं। माँ, उस पक्षी ने पाताल भैरवी के हृदय को भी जीत लिया है। हम असुर कैसे जीतेंगे उससे? माँ, दुर्बलता हमें उसकी दुर्बलता जाननी होगी, और उसके लिए मुझे कद्रु के पास जाना होगा। कद्रु कोई ना कोई उपाय जरूर बताएगी, क्योंकि कद्रु विंता और उसके पुत्र से घृणा करती है। पर हमारे पास समय नहीं है, हमें जो भी करना होगा शीघ्र करना होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस बालक पे दया कीजिए देवी, हमारे पुत्र जैसा है ये, निर्मल निर्दोष, केवल परोपकार करने की इच्छा से आपके सामने बैठा है। जीवित रहना चाहता है केवल इसलिए कि अपनी माता को दासता से मुक्त करा सके। हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि मेरे हृदय में इसके लिए कितनी ममता उमड़ रही है। यदि मैंने वज्रांग को वचन ना दिया होता तो मैं इसके सामने शत्रु के रूप में कभी ना आती। मैं क्या करूं प्रभु, चाह कर भी अपना वचन तोड़ नहीं सकती। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवी, आपने वचन दिया था कि आप गरुण का सामना करेंगे, वो आपने संपूर्णता से पूर्ण किया। भक्त की भक्ति के आगे तो भगवान सदैव ही हारते आए। मैं आपका संकेत समझ गई प्रभु, अब मैं इसे जीवन दान दूंगी और वरदान भी।
सच्चा शिव भक्त होने के नाते मेरे वरदान का उच्च अधिकारी है ये। ओम नमः शिवाय। मेरी पूजा समाप्त हुई, अब आप मेरे प्राण ले लीजिए। जा, मैं तुझे प्राण दान देती हूं और तुझे वरदान देती हूं कि समय आने पर शिव शंकर तुझे अवश्य दर्शन देंगे और इस पूजा के फल स्वरूप तुझे मनोवांछित वरदान भी देंगे। मेरी तो केवल एक ही इच्छा है कि मैं अपने जन्म की और अपने माँ की दासत्व की कथा जान पाऊं और अपनी माँ को बड़ी माँ की दासता से मुक्त करा पाऊं। बस इसीलिए मैं अदिति माँ की तपस्या पूरी होने तक प्रतीक्षा करने आया था। तेरी प्रतीक्षा शीघ्र समाप्त होगी गरुड़, और जिस कथा को जानने के लिए तो इतना व्याकुल है उसका भेद शीघ्र तेरे सामने खुलेगा। माँ पाताल भैरवी ने मुझे वरदान दिया है, इसका अर्थ है कि अब नियति की देवी मुस्कुराएगी, अब सब ठीक हो जाएगा। पर कैसे? क्या अदिति माँ की तपस्या पूरी होने वाली है? कालिया भैया, मुझसे जीतना इतना आसान नहीं है कालिया। किंतु जीतने की चेष्टा करना तो गलत नहीं है ना भैया? शाबाश मेरे पुत्रों, शाबाश। कालिया, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तक्षक, स्मरण रखना, सम्मान विजेता का होता है, पराजित का नहीं। दीति, तक्षक, कालिया, बहुत हुआ खेल, थक गए होगे, जाओ जाके भोजन कर लो। इतने वर्षों बाद आज यहां कैसे आना हुआ? जिसके पुत्र स्वर्ग का राजपाट संभालते हो उसके पास उत्तरदायित्व भी अधिक होता है। व्यर्थ करने के लिए समय नहीं मिलता कद्र। तुम्हें कैसे पता होगा कद्र, तुम तो अपने पुत्र का आपस का युद्ध देखने में ही व्यस्त हो। आजकल तुम्हारे पुत्र किसके साथ युद्ध कर रहे हैं? क्या देवताओं को पराजित करने के बाद अत्यधिक आत्मविश्वास में आ गए? सावधान रहना चाहिए, न जाने कब कौन कहां से रणभेरी बजा दे। ये ऐसा क्यों कह रही है? इसी ने गरुड़ को भेजा हो मेरे पुत्रों के साथ युद्ध करने के लिए। तुम मेरे पुत्रों की चिंता मत करो कद्र। वैसे विंता कहाँ है? विंता दिखाई नहीं दे? और उसका वो पुत्र जिसने इतने वर्ष लगा दिए संसार में आने में, जिसे वाल्खेलिए जैसे महान ऋषि ने आकाश का इंद्र बनने का वरदान दिया था, वो पुत्र मैं उससे मिलना चाहती हूँ। कहाँ है वो? यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है? मैं नहीं जानती, उसकी माँ को भी नहीं पता कि वो कहाँ है।
पर मुझे पता है कि वो कहाँ है। तुम्हें कैसे पता कहाँ है वो? क्या वो जीवित है? केवल जीवित नहीं बल्कि अपने प्रभाव स्थापित कर रहा है और बिना किसी सहायता के अदिति की तपस्या की रक्षा कर रहा है और चुनौती दे रहा है मेरे पुत्र ब्रजंग को कि उसके जीते जी उसकी खींची हुई रेखा को कोई पार करके अदिति तक नहीं पहुंच सकता। और तुम्हें पता है आश्चर्य मेरे पुत्र और असुर सेना को कोई भी योद्धा उस तक पहुंच नहीं पा रहा है। सबको पराजित कर रहा है वो करुण। क्या लगता था तुम्हें कदर तुम विंता को नियंत्रित कर सकती हो तो उसके पुत्र को भी नियंत्रित कर पाओगी? बहुत शक्तिशाली हो, बहुत शक्तिशाली है। इतना शक्तिशाली है कि मेरे पुत्र तो क्या स्वयं पाताल भैरवी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। तुम सत्य कह रही हो परंतु यह कैसे संभव है? यदि वो इतना अधिक शक्तिशाली है तो अपनी मां और अपने भाई का प्रतिशोध लेगा, मेरे और मेरे पुत्रों के लिए संकट बन जाएगा। वो बन चुका है, वो संकट संकट बन चुका है वो मेरे पुत्रों के लिए। तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूं कथा ये जानने के लिए कि कोई तो दुर्बलता होगी। कोई तो दुर्बलता तुम जानती हो तो मुझे बताओ ताकि मेरे पुत्र उस समस्या को सदैव के लिए समाप्त कर सके। दुर्बलता? कौन सी दुर्बलता? कैसी दुर्बलता? आठ प्रहर सदैव माँ 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 के नाम की रट लगाए रहता है। इसके अतिरिक्त ना कुछ सोचता है, ना कुछ कहता है, ना ही कुछ करता है वो। समझ गए, जिस माँ की भक्ति वो दिन रात करता रहता है वो माँ ही उसे हमारे मार्ग से हटाएगी। करुण, मैंने इतना स्मरण किया है आपको मां कि जिस स्वर को सुनने के लिए मेरे कान व्याकुल थे अब हृदय भी उस स्वर को पुकारने लगा है। क्षमा कर दीजिए मां, मैंने आपको बिना बताए घर छोड़कर इतनी लंबी यात्रा तय कर ली। मां मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है ना, मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु मां एक क्षण भी ऐसा नहीं बीता जहां मुझे आपकी पीड़ा अनुभव ना हुई हो। जब जब आप मुझे चिंतित होकर पुकारती थी ना मां, आपका स्वर मेरा कलेजा मेरा हृदय चीर देता था मां। बस उस पल ऐसा लगता था अभी उड़कर आपके पास आ जाओ, आपकी डांट खाओ, आपका स्नेह पाओ। पर मैं चाहकर भी वापस नहीं आ सकता था मां। मुझे ज्ञात है मां
आप नहीं चाहती कि मुझे अतीत का सत्य पता चले। मुझे ज्ञात है आपने मुझसे कहा था कि आप दासी होने की इस नियति को स्वीकार कर चुकी, पर मां आपका गरुड़, आपका पुत्र आपकी इस विवशता को स्वीकार नहीं कर सकता मां। इसीलिए मुझे जानना है कि आप बड़ी माँ की दासी कब, कैसे और क्यों बनी। इसलिए अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए मुझे आपसे दूर होना पड़ा माँ, और ऐसा करके मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, आपको बहुत दुख पहुंचाया है, मुझे क्षमा कर दीजिए ना माँ। माँ मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत क्रोधित हैं, आप मुझे मारिए, आप मुझे डांटिए, मुझे कोई भी दंड दीजिए, मुझे स्वीकार है, पर चुप मत रहिए ना माँ, कुछ बोलिए ना माँ, मुझे कुछ बोलिए माँ। घर चल। माँ मेरी बात तो सुनिए। सुनने सुनाने के लिए कुछ भी शेष नहीं है गुरु, जो तेरे मन में आया तूने किया, जो तेरे मन में आया तूने कहा, अब तू मेरे साथ घर चलेगा इसी क्षण। जिस माँ का नाम ले लेकर इस गरुड़ ने हम सबको संकट में डाल दिया था, उसी का उपयोग करके कितनी आसानी से आपने इसे मार्ग से हटा दिया। अद्भुत हो माँ, अद्भुत। अद्भुत तो वो माया है जिसने तुम जैसे मायावी को भी चकमा दे दिया। वो विंता नहीं, असुरों की विकट योद्धा सिंहिका है, समझ गए। जिस माँ की भक्ति वो दिन रात करता है, वो माँ ही हमारे मार्ग से उस कांटे का उपचार करेगी। कदर कहना क्या चाहती हो तुम? विंता को तुम्हें सौंप दूं, इस बात का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जब तक वो मेरे नियंत्रण में है मेरी पुत्र सुरक्षित है। कदरू, मुझे विंता को अपने साथ ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास सिंहिका है जो एक ही समय में कई विंताओं का रूप धारण करके गरुड़ को भ्रमित कर सकती है। बस तुम प्रतीक्षा करो, बहुत ही जल्द का शुभ समाचार तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त। यदि तुमने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया तो ये गदरू तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलेगी। माँ ने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं कि मैं इतने समय से कहाँ था, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और अदिति माँ को कैसे पहचानता हूँ मैं? क्या हुआ, चल। मैं यहाँ से नहीं जा सकता माँ, मैंने आपकी सौगंध ली है कि इन असुरों को अदिति माँ की तपस्या भंग करने नहीं दूंगा मैं। तूने मेरी सौगंध ली है ना, मैं तुझे इस सौगंध के बंधन से मुक्त करती हूँ, अब चल। ये जानकर भी कि मैं असुरों से अदिति माँ की तपस्या की रक्षा कर रहा हूँ, माँ ने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? अब क्या हुआ? माँ मेरी अनुपस्थिति में ये असुर अदिति माँ को प्रताड़ित करेंगे, उनकी तपस्या भंग करेंगे, ऐसे में आप मुझे यहाँ से चलने के लिए क्यों कह रही हैं? क्योंकि ये विवाद देवों और असुरों के मध्य है, हमें इसमें उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर माँ, अदिति माँ की आराधना में विघ्न पड़ गया तो ये प्रभु विष्णु का, उनकी भक्ति का अनादर होगा। अनादर होगा तो होता रहे, हमें अपने प्राण बचाने हैं पुत्र,
मेरे कहने का अर्थ ये है कि मुझे सबसे अधिक परवाह तेरी है। परायों के लिए तुझे अपने प्राण संकट में डालने की मूर्खता करते हुए नहीं देख सकती मैं। माँ ने आज तक जो भी मुझे सिखाया है उसके विपरीत बात क्यों कर रही है आज? आपने मुझे जो संस्कार सिखाए थे उसमें से एक संस्कार ये भी था कि कभी कभी मूर्खता करना बुद्धिमानी से अच्छा विकल्प होता है। कैसी मूर्ख है ये विंता, अपने पुत्र को व्यवहारिक ज्ञान के विपरीत उल्टी शिक्षा दी है इसने। क्या हुआ माँ? आप कभी किसी परिस्थिति में व्याकुल नहीं होती, ना आपका मन भटकता है ना मस्तिष्क विचलित होता है, तो फिर आज आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? कुछ करना होगा मुझे, नहीं तो मेरा सत्य ज्ञात करने में इसे अधिक समय नहीं लगेगा। बस कर अब, कितने प्रश्न पूछेगा? ज्ञात नहीं है माँ को प्रश्न नहीं करते हैं। माँ जो कहे बस चुपचाप उसका पालन किया जाता है, और माँ ये कह रही है चल यहाँ से। ज्ञान प्राप्त करने की पहली सीढ़ी होती है गरुड़। चाहे जो भी प्रश्न मन में आए उन्हें पूछने से कभी हिचकिचाना मत। आज तक माँ ने मुझे जो शिक्षा दी है उसके विपरीत आज बिल्कुल नई शिक्षा दे रही है, पर क्यों? पैरों में छाले पड़े हैं क्या? बार बार क्यों रुक रहा है तू? माँ बहुत तीव्र भूख लगी है, घर जाने में बहुत देर हो जाएगी, कुछ खा के चले। तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं, जो खाना है घर चल के खा। उठिए ना माँ, जल्दी उठिए, जल्दी उठिए। क्या हुआ? माँ बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ कुछ बनाइए ना। अभी बनाती हूँ, ऐसा स्वादिष्ट भोजन खिलाऊंगी देखते ही देखते सारा चट कर जाएगा तू। आप बहुत स्वादिष्ट है। माँ क्या आप मुझसे इतनी क्रोधित है कि मैं भूखा हूं ये जानकर भी आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? इतने शीघ्र फिर से भूख कैसे लग सकती है तुझे? अभी अभी तो तूने गजासुर और सिंहमुखम को खाया था। आपको कैसे पता चला ये? आप तो अभी अभी यहाँ आई है माँ, ये बात आपको कैसे पता चली? मैं माँ हूं और एक माँ अपने पुत्र के बारे में सब कुछ जानती है। जैसे तुझे मेरा स्वर सुनाई दे रहा था वैसे ही मुझे भी तेरे विषय में पल पल की सूचना थी। तो माँ क्या आप ये सब जानती हैं कि मैंने 7 लोगों की यात्रा की, वैकुंठ पहुंचा, अरुण भैया से मिला, शेषनाग भैया से मिला, ये सब? हाँ सब ज्ञात है मुझे, पर इससे क्या अंतर पड़ता है? आवश्यक ये है कि हम शीघ्र ही यहाँ से चले जाएं। अब विलंब मत कर तो चल यहाँ से। कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता था मैं माँ के कुछ कहे बिना ही उनकी प्रत्येक पीड़ा
उनके मन का हर भाव हर बात जान सकता हूँ, पर इस समय तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी माँ को जानता ही नहीं। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत बहुत प्रसन्न। कोई विशेष कारण है महारानी? बस इतना समझ ले कि एक बहुत बड़ी चिंता थी जो आज आज समाप्त होने वाली है। दिन रात वो चिंता व्यग्र कर रही थी मुझे, किंतु अब मैं सुख की नींद सोऊंगी। आपको करुण की कोई सूचना मिली है? कैसा है मेरा पुत्र, कहाँ है वो? समस्त संसार की धुरी तेरा पुत्र ही तो है, उसके अलावा तो इस संसार में कुछ है ही नहीं। पर महारानी, एक ही रट बार बार सुन के मेरे कान पिघलने लगे हैं विंता, बस कर। और हाँ, नारियल के लड्डू के साथ कुछ पेड़े भी बना लेना, जिस शुभ सूचना की प्रतीक्षा में कर रही हूँ। बस एक बार आ जाए वो, सबको लड्डू और पेड़े बांटूंगी मैं, तू भी खा लेना। जब गरुड़ की मृत्यु की प्रसन्नता में उसकी माँ के हाथ के बने लड्डू खाऊंगी तो कितना आनंद आएगा। इन्हें इतना प्रसन्न देखकर न जाने क्यों मुझे अजीब सा संदेह हो रहा है। नहीं, कुछ अनुचित नहीं सोचना चाहिए मुझे। पहले भी ऐसे ही संदेह के कारण एक पुत्र को हानि पहुंचा चुकी हूँ, फिर मैं वही त्रुटि नहीं कर सकती। हे नारायण, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिएगा। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः।